हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रोल। आप देख सकते हैं ये ब्रेड रोल कितना क्रिस्पी बना है। तो ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 वाइट ब्रेड लिए हैं, 8 उबले हुए आलू लिए हैं, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 8 से 10 काजू के टुकड़े, आधा कप फ्रोज़न मटर लिया है और 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। मसालों में मैंने लिया है नमक, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर। और इसे फ्राई करने के लिए हम साथ में लेंगे तेल। सबसे पहले हम इस उबले हुए आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक पोटैटो मैशर की हेल्प से इसे मैश किया है, आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं। इसे मैश करने के बाद हम इसमें मसाले मिला देंगे। मैंने यहाँ पर आधा छोटी चम्मच हल्दी डाला है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच धनिया पाउडर और साथ में 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इन सभी सूखे मसालों को आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ आलू मैश नहीं हुए थे तो मैंने उसे मैशर की हेल्प से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हमें इस आलू को फ्राई करना है, तो इसके लिए हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें 1 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे। तेल के गर्म हो जाने के बाद हम इसमें आधे चम्मच जीरा डाल देंगे और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च के फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को बीच बीच में चलाते रहें और इसे गोल्डन ब्राउन कर लें। प्याज को 2 मिनट लो फ्लेम पर फ्राई करने के बाद हम इसमें मटर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है और साथ ही में 1 बड़ी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे और इन सबको मिला देंगे और इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें काजू के टुकड़े डाल देंगे। आप काजू की जगह पे पीनट्स का भी यूज़ कर सकते हैं और फिर इन सबको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें। 1 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, मटर पक चुका है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाला है क्योंकि हमने अलग से आलू में भी 1 चम्मच नमक डाला हुआ है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें और अब हम इसमें मैश किया हुआ आलू मिला देंगे और इसे 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे। मैंने इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लिया है, जिससे मटर प्याज सब कुछ अच्छी तरह से आलू के साथ मिल गया है और अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब चलिए हम इसकी स्टफिंग कर लेते हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए हम इस तरह से ब्रेड के साइड्स को कट कर देंगे। ये जो ब्राउन ब्राउन पार्ट है उसको चारों तरफ से निकाल देंगे। इसी तरह से मैंने सारे ब्रेड के चारों साइड्स निकाल लिए हैं। अब हम 1 ब्रेड लेंगे और इसे पानी में डिप करेंगे, बिल्कुल हल्का सा डिप करेंगे और इस तरह से दबा के सारा पानी निकाल देंगे। अब इसमें 1 आलू का बॉल बनाएंगे और उसको रखेंगे और चारों तरफ से बंद कर देंगे। ब्रेड गीला होने की वजह से ये अच्छी तरह से बंद हो जाएगा और इस तरह से इसका रोल बना लेंगे। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सारे रोल्स बना लीजिए। ध्यान रखिएगा कॉर्नर को अच्छी तरह से बंद कीजिएगा, नहीं तो ये तेल में घुल सकता है। ये ब्रेड रोल हमेशा वाइट ब्रेड से ही बनाएं, ब्राउन ब्रेड से ये इतना टेस्टी नहीं लगेगा। देखिए कितने अच्छे से रोल हो जा रहा है, ब्रेड गीला होने के कारण ये आसानी से रोल हो जाएगा। और इसी तरह से सारे ब्रेड्स का बना लीजिए।
और इसी तरह से मैंने सारे रोल बना लिए हैं। मैंने यहाँ पर 10 ब्रेड रोल बनाया है और अब हम चलिए इसे फ्राई करने की तरफ चलते हैं। इसे फ्राई करने के लिए हम गैस पर एक कढ़ाई रख लेंगे और उसमें तेल डालेंगे, और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें एक एक करके ब्रेड रोल को डाल देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा। इसे हल्के हाथों से बीच बीच में घुमाते जाएंगे ताकि ये चारों तरफ से ब्राउन हो जाए। इसे हल्के हाथों से इस तरह से चारों तरफ घुमाते रहें। इसे अच्छी तरह से फ्राई होने में लगभग 2 मिनट लग जाएगा। ये देखिए, ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसे इस तरह से घुमा घुमा के फ्राई कर लीजिए। इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे और आखिरी में 10 सेकेंड हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कर देंगे ताकि ये बिल्कुल कुरकुरा हो जाए। और ये लगभग फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और किचन टावल पर रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। और इसी तरह से सारे ब्रेड रोल्स को फ्राई कर लेंगे। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।